Okay, children. So, I hope I'm audible. Good morning. Till yesterday, हमने क्या देखा था? We saw multiplexers, है ना? बहुत easy and very scoring chapter, very small part, जिसमें कुछ चीजें याद रख दिया, formula याद रख लिया, you will be able to solve the numericals. We will be doing numericals also. एक साथ we will do it, mux and demux, okay? So the next part, multiplexer मतलब क्या होता है? Many input to one output, many to one. कैसे लिखते थे multiplexer को? Multiplexer in a block diagram, how do we denote it? It's not, yeah. We denoted multiplexer as many input, that is n input, to always one output, है ना? Multiplexer मतलब हमेशा output one रहता है. इनपुट कितना भी हो सकता है, 2, 4, 8, 16 जो भी है, राइट? तो इसका उल्टा देखने वाले हैं आज हम. वी आर गोइंग टू सी द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर. व्हाट इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर? द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज द डी मल्टीप्लेक्सर. डी मल्टीप्लेक्सर, अब इसमें मल्टीप्लेक्सर में था एन इज टू वन, मेनी इनपुट टू वन आउटपुट. तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों? इसका इनपुट उल्टा क्या होगा? वन इनपुट टू मेनी आउटपुट, उसको बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर. बाकी सब सेम, एवरीथिंग इज सेम. सो इन डी मल्टीप्लेक्सर हाउ विल यू राइट इट? मल्टीप्लेक्सर में हम मेनी इनपुट टू वन आउटपुट ऐसे लिखते थे मल्टीप्लेक्सर के लिए, राइट? अभी डी मल्टीप्लेक्सर उसका उल्टा है, तो कैसे लिखेंगे? वन इनपुट टू मेनी आउटपुट, मेनी आउटपुट. दिस इज नोन एज अ डी मल्टीप्लेक्सर. ओके, बाकी सब से. अब जैसे मैंने रोटरी स्विच के बारे में बोला, मल्टीप्लेक्सर में अगर एक स्विच है, एक स्विच जैसे कनेक्शन होता है, डेटा इनपुट कब डी जीरो पे जाएगा? मैंने बोला हमेशा जहां पे भी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ बिट्स मोर देन वन है, यू विल स्टार्ट विद द एलएसबी, दैट इज इट स्टार्ट्स विद 0, 1, 2, 3, 4, 5. फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं. Okay, there are 20 bits, okay, in my class, okay. I will not start with roll number. We generally start with roll number 1, but in digital electronics, we start with roll number 0, okay. So always you will have D0, D1, D2, D3. You can name it as Y also. Output ko aap Y bhi dal sakte ho. Maine D isliye dala kyunki data wahan transfer hota hai. Isiliye aap Y bhi likh sakte ho for output. Anything, doesn't matter. मतलब क्या है उसका मतलब, वो मालूम होना चाहिए. दैट्स इट. ओके, सो अब क्या होगा? नाउ यू हैव टू डिसाइड, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? डेटा कभी कभी वाई जीरो पे ट्रांसफर होगा, डेटा वाई वन पे भी ट्रांसफर होगा, डेटा वाई टू पे भी ट्रांसफर होगा, डेटा वाई थ्री पे भी ट्रांसफर होगा, लेकिन कब? हु विल डिसाइड दिस? ये आपस में लड़ते रहेंगे क्या कि डेटा इनपुट विल बी ट्रांसफरिंग टू आउटपुट, लेकिन कौन सा आउटपुट? इतने सारे आउटपुट्स हैं, एक साथ तो सबको नहीं कनेक्ट हो सकता. दिस इज जस्ट वन बिट, ये सिर्फ एक बिट है, तो ये एक ही बिट पे जाएगा, राइट? सो ये एक बिट इधर से इतने सारे जो एन बिट्स हैं, किसको ट्रांसफर होगा? दैट इज डिसाइडेड बाय कंट्रोल लाइंस और सिलेक्ट लाइंस, सेम लाइक द मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर में भी ये झगड़ा अवॉइड करने के लिए द सिलेक्ट लाइंस वर देयर, राइट? सेम थिंग इधर ही. सिलेक्ट लाइंस डिसाइड, अगर फॉर एग्जाम्पल दो सिलेक्ट लाइंस है, देन 00 मतलब डेटा इनपुट विल बी ट्रांसफरिंग टू वाई जीरो. डेटा इनपुट का कनेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, और वाई जीरो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. इफ दिस इज डी, डी कहां ट्रांसफर होगा? वाई जीरो, बाकी सब जीरो. अगर वाई सिलेक्ट लाइन 01 है, अगर सिलेक्ट लाइन 01 है तो वाई 00 बन जाएगा. नेक्स्ट कहां पे ट्रांसफर होगा? वो वाई 1 पे ट्रांसफर होगा, वाई 0 पे नहीं. सिलेक्ट लाइन 01 है तो वाई 1 डी हो जाएगा, बाकी सब 0 एंड सो ऑन. सो सिलेक्ट लाइंस, इसलिए इसका दूसरा नाम है कंट्रोल लाइंस. इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल लाइंस. इट कंट्रोल्स कि डेटा कौन से आउटपुट के लाइन पे कनेक्ट होगा. Fine. The relation between control lines and data is the same like the multiplexer. Same relation hai. Koi farak nahi hai. Sirf yahan pe n matlab number of output ho jayega. Theek hai? So n is number of output. M is number of select lines.
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, ये मल्टीप्लेक्सर में भी किया था, लेकिन वहां पे एन क्या था, नंबर ऑफ इनपुट्स था, है ना. सो एन इज इक्वल टू 2^m. If in any problem or if in any problem statement, numerical या कोई भी question में आपको data input नहीं दिया है या select lines नहीं दिया है, you can easily find out using this formula. For example, if they say explain the working of 1:4 multiplexer, 1:4, 1 demux है, मतलब तुमको समझ में आ गया, starting में 1 आ गया, मतलब वो demultiplexer. 1:4, मतलब n 4 हुआ. You will substitute n 4 over here. So that will become 4 is equal to 2^m. Kya raise to karne se, 2 pe kiska power dalne se, you will get 4. Kiska power dalne se, it is 2. So it is 2^2 is equal to 4. That means m is equal to 2. You will have 2 select lines. Okay. So we will quickly see the example directly of 1:4 demultiplexer. And it's truth table. How to generally implementation is not asked, but if you want, you can implement also. Multiplexer mein implement karke dikhaya hai, same method mein karna. First, you will write introduction of demultiplexer. The question may be explain 1:4 demultiplexer. So first you will draw that block diagram. Block diagram kaise likhoge? 1:4 d मल्टीप्लेक्सर, ठीक है. हाउ मेनी इनपुट्स? डीमक्स है, ऑब्वियसली एक ही इनपुट होगा, राइट. एक और चीज, डी मल्टीप्लेक्सर का बाकी सब सेम है, मल्टीप्लेक्सर के लिए सेम स्ट्रोब सिग्नल, एवरीथिंग इज सेम. तो स्ट्रोब सिग्नल का मैंने ऑलरेडी 2-3 बार उसका फंक्शन बोल चुकी हूं मैं. स्ट्रोब सिग्नल इज लाइक योर स्विच, है ना. स्ट्रोब सिग्नल इज लाइक योर स्विच. जब तक ये बबल, मतलब नॉट गेट, इट एक्ट्स एज अ नॉट गेट, जब तक ये 1 नहीं होता अंदर जाके, दिस विल नॉट बी स्विच्ड ऑन. इट्स जस्ट लाइक योर पावर बटन. आप पावर बटन ऑन नहीं करोगे, आपका कंप्यूटर चालू, कुछ भी कर लो कंप्यूटर पे, वो नहीं चालू होगा, वो नहीं वर्क करेगा. इट्स लाइक अ स्विच. तो यहाँ पे बबल है, तो उसका उल्टा देना पड़ेगा. यहाँ पे ग्राउंड मीन्स 0, 0 बबल के अंदर जाके क्या बन जाएगा, 1, एंड द डी मल्टीप्लेक्सर विल बी एक्टिवेटेड. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, इट इज सेम लाइक द मल्टीप्लेक्सर ओनली. ओके, 1:4, 4 है तो मैं क्या करूंगी, 4 आउटपुट्स डालूंगी. Y0, Y1, मैंने क्या बोला, रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. Y0, Y1, Y2, Y3, 1, 2, 3, 4, 4 आउटपुट्स इज डन. नाउ व्हाट इज मिसिंग, सिलेक्ट लाइंस. 1:4 डीमक्स. अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ाई की थी. अभी तुमको भी ऐसे हो सकता है कि एग्जाम में आपने 1:4 का पूरा लर्न किया था, आपको याद नहीं आ रहा है कितने सिलेक्ट लाइंस है, याद नहीं आ रहा है. अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, नो प्रॉब्लम. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सिलेक्ट लाइंस एंड आउटपुट? एन इज इक्वल टू 2^m. यू नो नंबर ऑफ आउटपुट? यस, आई नो नंबर ऑफ आउटपुट इज 4. 4 इज इक्वल टू 2^m. सो व्हाट रेज टू 2 विल गिव यू 4? इट इज 2^2. Therefore, m is equal to 2. So you will have 2 select lines. मैंने हमेशा बोला है, roll number 0 से start होता है. LSB, S0, S1 select lines है, इसलिए हम उसको S बोलेंगे. Okay? This is, you have to write all this. This is a 1:4 multiplexer. It has 1 data input, 4 output. Then, 2 select line कैसे आया, वो मैंने फॉर्मूला जो बताया वो लिखोगे, सब आपको लिखना पड़ेगा. ओके, दिस इज 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है. नाउ वी विल सी द ट्रुथ टेबल. इन ट्रुथ टेबल आई विल राइट इट ओवर हियर ओनली. इनपुट आउटपुट, ठीक है. इनपुट में क्या है, इनपुट में एक ही डेटा है, सो आई विल राइट डी. आउटपुट, आउटपुट में कितने हैं, ये 4 है, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है ये? ये खुद से थोड़ी डिपेंडेंट है, खुद से थोड़ी कनेक्शन करते हैं. किस पे डिपेंडेंट है ये? सिलेक्ट लाइंस पे. सो यू विल हैव टू राइट सिलेक्ट लाइंस फर्स्ट. पहले हमेशा मैंने बोला है एलएसबी पे 0 होना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा फर्स्ट S0 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, फाइन. एंड नेक्स्ट इज योर आउटपुट Y. ओके, चलो फर्स्ट कंडीशन.
what if I don't give data only? What if I don't give data? Data is zero. Do you think it will that it is going to work? Do you think that there is no data? Data is zero. Is it going to get transferred anywhere? No. This will work if there is any data. So when there is no data, there is कुछ भी फायदा नहीं है. तुम कोई भी select line कर दो output पे कुछ भी नहीं आने वाला. कुछ भी कर लो तुम क्योंकि data ही नहीं है. Okay. Next condition, data one है. You have two select lines. Two select two bits means how many combinations can we have? 2 raised to 2. 4 combinations. 0 0 0 1 1 0 1 1. इन सब में data one होगा तो ही वो काम करेगा, नहीं तो वो काम करना और मतलब भी नहीं है डीमल्टीप्लेक्सर सर्कल. देयर इज नो डेटा. ओके, व्हेन इट इज 0 0 डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू y0. सो इट इज y0. व्हेन इट इज 1 1 डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू y1. व्हेन इट इज 1 0 डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू y2. व्हेन इट इज 1 1 डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू y3. This is the output of the truth table of the demultiplexer. 1:4 demultiplexer. Okay, you can easily write the equation out of this. Chalo, let us try. I'm erasing this part. We will do the implementation part also. इसको हम logic gates use करके कैसे करेंगे? पहले आपको इसका equation बनाना पड़ेगा. मैंने कल ही बताया था equation कैसे बनाते. Just a minute, some student wants to join. ओके, सो मैंने आपको उसी दिन बोला था कि कैसे इसको यू नो इंप्लीमेंट करना है. फर्स्ट कंडीशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, आपस में ये सब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है. प्लस सेकंड कंडीशन, प्लस थर्ड कंडीशन, प्लस फोर्थ कंडीशन, ऐसे ही होता है, ठीक है. बट यहाँ पे इंप्लीमेंट करते वक्त इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन फॉर दिस. Okay, so we will find first equation for y0. y0 दिख रहा है आपको? First output का मैं equation find करूंगी. मैंने क्या बोला था कल? कल क्या बोला था मैंने? ये जो है इसको हम multiply करना है. उसके सामने जो जो है उसको multiply करना है. जहां जहां zero आएगा उसको dash देना, ठीक है. Okay, first d 0 है क्या? नहीं, this is y0 का condition देख रही हूँ मैं. हाँ, d है क्या कुछ? There is no zero, so d into S1 0 है, S2 0 है, तो दोनों को आएगा S1 बार S0 बार. जहां जहां 0 है वहां वहां डैश बार आएगा, ठीक है. नेक्स्ट Y1 देखो. Y1 का बताओ भी. D तो है ही. S1 पे 0 है तो दैट बिकम्स S1 बार. S0 पे 0 नहीं है, 1 है, सो दैट बिकम S0. चलो Y2 का बताओ. Y2 का तुम लोग बताओ अभी खुद से. Y2 D into S1 into S0 bar. Y3 all are 1, so D S1 S0. अब इसे इसको implement करना. चलो इसका diagram बनाते हैं. So you understood the stages. First stage block diagram, second stage उसको explain करना है, third stage truth table, fourth stage truth table से equations लिखना है, fifth stage diagram implementation. Okay, तो तुमसे क्या क्या signal लगने वाला है? एक D लगने वाला है, S1 लगने वाला है, S1 bar लगने वाला है, S0 लगने वाला है, S0 bar लगने वाला है. फाइन, चलो फर्स्ट वन डी S1 बार S0 बार. डी S1 बार S0 बार मल्टीप्लीकेशन मतलब कौन सा गेट यूज करते हैं लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन के लिए? एंड गेट, नॉट और गेट, एंड गेट. एंड गेट फॉर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट डी S1 बार S0. डी S1 बार S0 अगेन एंड गेट. इसको छोड़ना नहीं है. ये क्या है? ये है, दिस इज y0, दिस इज y1. नेक्स्ट d s1 s0 बार. d s1
एस जीरो, सॉरी दिस इज एस जीरो बार ना, ये बार है तो यहां पे लगे, दिस इज वाई टू. नेक्स्ट इज डी एस वन एस जीरो, this is y3. This is the final implementation of 1:4 demultiplexer. इसी तरह आप कोई भी मल्टीप्लेक्सर को आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट डीमल्टीप्लेक्सर. डीमल्टीप्लेक्सर समझ में आया? मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी. इट इज ओनली मल्टीप्लेक्सर मीन्स many to one, demultiplexer means one to many. Select line same, strobe signal same, everything is same. Okay, now we will do some application. Demultiplexer ko ek dusri tarah se bhi use kiya ja sakta and it is known as decoder. It is known as decoder. Okay, now how can a demultiplexer be used as a decoder? So see, first you understand what is a demultiplexer. समझ में आ गया होगा अभी तक तो. दैट मीन्स वन इनपुट मेनी आउटपुट. ठीक है, सो दैट इज एक इनपुट है और कितने भी आउटपुट हो सकते हैं वो मुझे नहीं पता कितना है. ठीक है, मैं डी जीरो टू डी एन माइनस वन लिख रही हूँ. सो दिस वॉज, अच्छा स्ट्रोब सिग्नल है, ये सब ऑलरेडी है, वो मैं नहीं लिख रही उसमें. सिलेक्ट लाइन्स है, वो सब है, सब कुछ है. नाउ इन डी मल्टीप्लेक्सर इफ आई टेक द डेटा एज वन, इसको मैं निकाल देती हूँ, वो डेटा मैंने वन रखा है थ्रू आउट, इट्स नॉट चेंजिंग, एंड आई रिमूव दिस, देन इट बिकम्स अ डीकोडर. डीकोडर मतलब कुछ तो डीकोड कर रहा है वो, राइट? कुछ तो डीकोड कर रहा है. दैट मीन्स डीकोडर इज अ सर्किटरी which has, ये जो select lines दिख रहे हैं ना आपको, ये जो select lines है वो select lines को मैं as an input बना रही हूं और output same demux जैसे same output I will have like a demux only, then it is known as a decoder. What is it known as? Decoder. डेटा को जीरो डाला है क्या? नहीं. स्ट्रोब से ये सब, इसको सब मैंने वन रखा है, परमानेंटली वन रखा है, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ. इफ आई टेक दीज सिलेक्ट लाइंस एज द इनपुट देन इट इज नोन एज अ डीकोडर. देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल मैंने 1:4 डीमक्स लिया है. ठीक है, 1:4 डीमक्स के लिए कितने सिलेक्ट लाइन्स और कितने आउटपुट है? डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, फोर आउटपुट एंड टू सिलेक्ट लाइंस एस जीरो एस वन. ठीक है, डीकोडर में मैंने क्या बोला? सिलेक्ट लाइंस बिकम द क्या कॉमन है? आउटपुट कॉमन है, राइट? सो डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, एस जीरो, एस वन. सो व्हाट इज सिलेक्टेड? डी इज इक्वल टू, मैंने यहां पे वन रखा है, तो जब एस जीरो एस वन जीरो जीरो होगा तो क्या होगा? This will be getting transferred to D0. That means D0 will be becoming 1. Yes? Baki sab 0. Baki sab 0. Next condition batao. When it is 0, 1. D kaan transfer hoga? D1 pe. Baki sab. Baki sab. Next condition batao. When select lines is 1, 0. Data will be transferred to D2. D2. D2 will be 1, baki sab 0. 0. Then it is last condition. When it is last condition, 1, 1, D will be transferring to the last output. That will be 1, baki sab 0. 0. Same thing is going to be happening over here. So, dekho thoda sa, ha? Dekho. Input dal diya maine. Theek hai? जीरो जीरो जब एस जीरो एस वन जीरो जीरो डालेंगे, क्या कौन सा वन हो रहा है? मैं ना ऐसे लिखती हूँ, डी थ्री, डी टू, डी वन, डी जीरो, क्या वन हो रहा है?
बी जीरो वन हो रहा है, बाकी सब जीरो जीरो जीरो, ठीक है फाइन। अब जीरो वन पे, जीरो वन पे नेक्स्ट आउटपुट वन हो जाएगा, डी वन वन हो जाएगा, यस और नो, डी वन वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो। नेक्स्ट इनपुट पे वन जीरो, क्या वन होगा, डी टू, डी टू वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो। नेक्स्ट डी थ्री, नेक्स्ट कंडीशन वन वन, कौन सा वन होगा, लास्ट आउटपुट, लास्ट आउटपुट वन होगा, डी थ्री वन होगा, बाकी सब जीरो। ओके, अब देखो एक कुछ चीज आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये नंबर कौन सा है, ये विच इज दिस नंबर, जीरो जीरो वन, डेसिमल में इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस इन डेसिमल, यस बाइनरी नंबर, दिस इज वन है ना, दिस इज वन, बाइनरी वन है ना, ये देखो उसके बाइनरी इसके हिसाब से वन टू फोर एट ऐसा है ना, इसका पोजिशन का वैल्यू है कि नहीं, पोजिशन का वैल्यू है कि नहीं, सो इट इज वन, उसके हिसाब से कन्वर्ट, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल निकालने की कोशिश करो, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट डू यू सी हियर, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, वन इज टू फोर, एन नहीं लिखेंगे, हाँ देखो यहाँ पे फोर है, वन इज टू फोर है क्योंकि वो फोर आउटपुट वाला है, राइट, तो वन इज टू फोर डी मार्क्स जो है, वन इज टू फोर डी मार्क्स में फोर आउटपुट है, टू सिलेक्ट लाइन्स है, ये सिलेक्ट लाइन के हिसाब से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सब कुछ काम करने के लिए, आई रिपीट, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब काम करने के लिए डी हैज टू बी वन, डी जीरो होगा तो ये कुछ काम करेगा ही नहीं, सब जगह आपको जीरो 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 ही दिखेगा, समझ में आया, सब जगह जीरो दिखेगा, कोई मतलब ही नहीं है ट्रुथ टेबल का, पूरा जीरो 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 दिखेगा। ओके, नाउ हमने क्या किया, ये वन है, इसको मैं हाइड कर रही हूँ, वैसे के वैसे मैंने सिलेक्ट लाइन्स लिया है एज इनपुट, एंड सेम आउटपुट, सेम नंबर ऑफ आउटपुट, फोर नंबर ऑफ आउटपुट, तो इसको बोलते हैं टू, टू है ना इनपुट, टू इज टू फोर डिकोडर, क्या बोलेंगे इसको, 2 is to 4 decoder. क्यों? क्योंकि 2 input, 4 output, that is why 2 is to 4. Either 1 input, 4 output. This is a DMUX. But we are making use of DMUX as a decoder. ठीक है? D is already 1. मैं वापस repeat कर रही हूँ, D 0 रहेगा तो इधर सब जगह 0 आएगा, आपका truth table पूरा 0 से भर जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं, it is not a decoder. Okay? So D has to be 1. अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे डी जीरो मिल रहा है आपको, एक्टिवेट हो रहा है डी जीरो, एक्टिवेट हो रहा है मतलब जीरो, राइट, जीरो वन ये बाइनरी है, वन का बाइनरी क्या है, जीरो वन है, जीरो वन बाइनरी है, मैं यहाँ पे बाइनरी लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये वन का बाइनरी है, उसके लिए कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, तब वन एक्टिवेट हो रहा है, ये वन हो गया, ठीक है, वन जीरो किसका बाइनरी है, टू का बाइनरी है, राइट, यहाँ पे टू दिख रहा है, तब टू एक्टिवेट होता है बराबर वो टाइम पे, वन जीरो पे बराबर टू एक्टिवेट हो रहा है, टू, वन वन किसका बाइनरी है, थ्री का बाइनरी है बराबर, तब थ्री एक्टिवेट हो रहा है, थ्री का एक्टिवेट हो रहा है, ये नंबर्स कौन से नंबर्स है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये इसको कौन से नंबर्स बोलते हैं, नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स बोलते हैं, इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम, तो ये डिकोडर क्या बना, ये बना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर, आप समझ में आया, इसको डिकोडर क्यों नाम देते हैं, कुछ तो वो डिकोड कर रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं डिकोडर, समझ में आया, डिकोडर क्लियर है, कुछ नहीं करना, yes, ma'am. मक्स लेना है उसको, उसके सिलेक्ट लाइन्स को इनपुट इनपुट बनाना है, जितना इनपुट वो पहला नंबर आएगा, जितने आउटपुट वो दूसरा नंबर आएगा, समझ में आया, क्लियर है,
और जहां जहां जैसे जैसे सिलेक्ट लाइंस चूज करोगे वैसे वैसा वो वन आएगा और वैसा वैसा वो नंबर को चूज किया है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ डेसिमल आउटपुट, दैट इज व्हाई इट विल बिकम बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर. समझ में आया, ये क्लियर है? नाउ दिस डिकोडर इट कैन आल्सो बी बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर. बीसीडी मतलब 0 to 9 वाले नंबर्स, ठीक है? बीसीडी मतलब 0 to 9 वाले नंबर्स, हम वो भी करेंगे अभी इसके बाद, एंड देन वी विल एंड. ओके, सो एनी टाइप ऑफ डिकोडर यू वांट टू मेक, एनी टाइप ऑफ डिकोडर यू कैन इजीली मेक. तो 1:4 का कौन सा वाला डिकोडर बनेगा? कितने सिलेक्ट लाइन्स है 1:4 में? 2. तो 2 सिलेक्ट लाइन्स, आउटपुट तो वैसे के वैसे रहता, तो कौन सा डिकोडर बनेगा बच्चों? इट विल बी 2:4 डिकोडर, ठीक है? इफ आई यूज 1:8 डीमक्स, 1:8 डीमक्स, कितने सिलेक्ट लाइन्स है 1:8 में? 3 सिलेक्ट लाइन्स है, तो 3:2 आउटपुट तो सेम रहेगा, 3:8 डिकोडर बनेगा. तो आप कोई भी डीमक्स ले सकते हो, सेम चीज आपको दोनों तरफ ड्रॉ करना है और ट्रुथ टेबल लिखना है. ऐसे कंडीशंस 3 है मतलब 3 बिट आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0. आपको पता है ना 3 बिट का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है 7 तक? तो पूरा पूरा लिखेंगे और एक एक को 1 1 1 1 1 लिखेंगे, D0 को 1, D2 को 1, D3 को 1, D4 को 1, D5 को 1, D6 को 1, D7 को 1. समझ में आया कैसे बाइनरी टू डेसिमल बनाना है? अब ये तो हुआ 8 तक, ठीक है? नाउ देयर इज अनदर कन्वर्जन, बीसीडी टू डेसिमल. अब ये बीसीडी क्या होता है? क्लास 11 में आप सीखे हो बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल. दीज आर नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 ओनली. बीसीडी टू डेसिमल मतलब नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. 0 to 9 मतलब कितने नंबर्स होते हैं? 10. 10. 0 to 9 काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 नंबर्स, ओके? 0 to 9 मीन्स 10 नंबर्स. ये 10 को, 10 ये जो 0 to 9 बाइनरी नंबर्स है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. देखते हैं कैसे. डायरेक्टली मैं ट्रुथ टेबल पे जा रही हूँ एंड देन वी विल इंप्लीमेंट इट, ठीक है? उसका सर्किट डायग्राम, उसका यूजिंग लॉजिक गेट्स. द क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ बीसीडी टू डेसिमल. ये बाइनरी टू डेसिमल समझ में आया? बाइनरी टू डेसिमल कोई भी नंबर हो सकता है, 1 to 3 to 8. अभी हमने 2:4 देखा, 2:4, 3:8, कोई भी डिकोडर हो सकता है, ठीक है? वो बाइनरी टू डेसिमल हुआ. अब हम कर रहे हैं बीसीडी टू डेसिमल, कोई फर्क नहीं है उसमें. बीसीडी टू डेसिमल सेम है, सिर्फ मैं बाइनरी की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ? बीसीडी. क्यों? वो 0 to 9 होता है, 0 to 9 कोडेड डेसिमल को हम बीसीडी बोलते हैं, ठीक है? बाइनरी ही है वो, उसका फुल फॉर्म बाइनरी ही है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी नंबर्स ही है. बट व्हेन इट इज 0 to 9 द वो एक सिस्टम है, इट्स अ क्या बोलते हैं उसको, उसको नामकरण किया गया है, इट इज बीसीडी, ठीक है? तो वो एक कर लेंगे एंड देन वी आर डन. ओके, सब जगह मैं वापस आई रिपीट, डिकोडर में डेटा नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है डेटा इज 0 नहीं है, डेटा इज 1, बट डेटा हम ड्रॉ नहीं करते, इट्स नॉट देयर इन डिकोडर. ओके, फाइन. ओके, बीसीडी, हाउ मेनी इनपुट्स डू यू एक्सपेक्ट इन अ बीसीडी? हाउ मेनी इनपुट्स विल यू एक्सपेक्ट? फर्स्ट यू विल ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, ऑलवेज यू विल राइट बीसीडी, बीसीडी टू डेसिमल, बीसीडी, बीसीडी टू डेसिमल मतलब इनपुट क्या हुआ? बीसीडी हुआ, राइट? चलो लिखो 0 to कितने नंबर्स? 0 to 9 टू डेसिमल. ठीक है, वो भी कितना होगा? मैं इनपुट आउटपुट को y से डिनोट कर रही हूं, तो y0 to y9, ठीक है? yes, और यहां पे मैं बीसीडी ए B, C, D. कितने बिट्स लगेंगे मुझे 9 के लिए? मैक्सिमम 4 बिट्स लगेंगे ना 9,
नाइन कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1001 कितने बिट्स चाहिए, 1 2 3 4, इसलिए मैंने 4 लिया, ए बी सी डी, ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट किसी, अभी देखिए ट्रुथ टेबल, चलो ट्रुथ टेबल देखते हैं, इनपुट पहले डालेंगे ए बी, मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही क्योंकि वो लाइन ड्रॉ करने से ना वो और गिचमिल दिखता है, ठीक है, ए बी सी डी इनपुट, आउटपुट बताओ, थोड़ा और उस तरफ शिफ्ट करो क्या, यस मैम, ए बी सी डी, अब ठीक है, अब इधर जगह मिल जाएगा, राइट, यस मैम, ओके, यू कैन स्टार्ट वाई जीरो फ्रॉम हियर आल्सो, यू कैन स्टार्ट वाई जीरो फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे मेथड से, जैसे मैंने पढ़ाया है, मैंने क्या बोला है, हमेशा यू स्टार्ट विथ एलएसबी, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख रही हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो दैट वे आल्सो, बट मेरे मेथड और मेरे मेथड के हिसाब से आई स्टार्ट एलएसबी टुवर्ड्स दिस साइड, ओके, ठीक है क्या, yes. वाई टू वाई थ्री, फिर भी जगह नहीं मिल रही है, थोड़ा सा और कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, और कंप्रेस करो इसको, ठीक है क्या, दिख रहा है, यस ठीक है, ओके, फर्स्ट फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर जीरो, जीरो का बाइनरी क्या है, जीरो 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 जीरो, ठीक है, When it is 0000, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, डेटा कौन से आउटपुट पे जाएगा, सबसे पहला वाला नंबर दैट इज y0, बाकी सब जीरो, जीरो, नेक्स्ट वन के बाद क्या आता है नंबर, कौन सा नंबर आता है, वन, वन, वन का बाइनरी क्या है, 0001, वन जब सिलेक्ट हो, जब जब बाइनरी वन है तो कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, वाई वन, वन वन, वाई वन, वाई वन वन है, बाकी सब जीरो, जीरो, नेक्स्ट जीरो जीरो वन जीरो, वन के बाद कौन सा नंबर आता है, टू, टू का बाइनरी क्या है, जीरो जीरो वन जीरो, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा, वाई टू, वाई टू वन, बाकी सब जीरो, टू के बाद कौन सा नंबर आता है, थ्री, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, फोर, ऐसे आपको पूरा नाइन तक करना है, ठीक है, yes, no. मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो, फास्ट 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 फास्ट, आफ्टर थ्री कम्स फोर, वाई फोर विल बी सिलेक्टेड, बाकी सब जीरो, आफ्टर फोर कम्स फाइव, ओ सॉरी, After 4 comes 5. Y5 will be 1. Baki sab 0. 5 ke baad kya aata hai? 6. Y6 will be 1. Baki sab 0. 6 ke baad kya aata hai? 7. Y7 will be 1. Baki sab 0. सेवन के बाद क्या आता है, एट, एट बाय एट विल बी वन, बाकी सब जीरो, और एट के बाद लास्ट नंबर कौन सा है, नाइन, नाइन के बाय नाइन विल बी वन, बाकी सब जीरो, ट्रुथ टेबल ऑफ बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, चलो अब इसका लॉजिक गेट बनाते हैं, लॉजिक गेट में क्या आएगा, एक 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 आउटपुट आएगा, कितने इनपुट्स हैं, मैंने क्या बोला था, कैसे फाइंड आउट करना है आउटपुट, वाई जीरो चाहिए मुझे, ठीक है, वाई जीरो चाहिए आपको, इसको सब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी इनपुट्स रहते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितने इनपुट्स है, ए बी बी डी, ए बी सी डी,
जहां जहां जीरो है उसको बार लगेगा, तो मुझे सब में नॉट गेट लगेगा। यस यस मैम। आपको नॉट गेट लगेगा, नॉट गेट मतलब बार, नॉट गेट मतलब बार होता है। बाय जीरो वन कब हुआ? जब सब कुछ जीरो है। सब कुछ जीरो है मतलब ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ले लो चारों, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार एंड गेट। क्या हो गया ये? वाई जीरो। वाई वन कब वन हुआ? जब सिर्फ डी वन है, बाकी सब जीरो। जीरो मतलब बार, बार ए बार, बी बार, सी बार एंड डी। ऐसे आपको एक 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 हर एक का करना है एंड इट विल बी डन। करके दिखाओ क्या, मुझे जगह नहीं मिलेगा, जब तक जगह है तब तक करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई टू। वाई टू मतलब सी सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी सब बार है। सिर्फ सी चाहिए, बाकी सब का बार, ए बार, बी बार, डी बार। वाई टू। वाई थ्री मतलब सी और डी दोनों मुझे प्योर चाहिए, बाकी दोनों में बार, ए बार, बी बार, सी एंड डी। दिस इज वाई थ्री। बाप रे, मेरा एंड गेट का शेप भी बिगड़ने लग गया। सेम वे पूरे नौ वाई जीरो से लेके वाई नाइन तक पूरे दस करने हैं आपको। समझ में आया? बी सी डी टू डेसिमल डीकोडर। क्लियर है? यस। सो हियर वी एंड अबाउट डी मल्टीप्लेक्सर। टुमारो वी विल डू एनकोडर। ओके, डू यू अंडरस्टैंड डी मल्टीप्लेक्सर एंड डीकोडर? Very easy. Yes. And it's not rocket science. If you understand the concept of DMUX, then you will understand the concept of decoder. If you understand MUX, you will understand DMUX. If you understand DMUX, you will understand decoder. That is why I am taking everything in sequence. Okay? Connected. Ek ko connect karke dusra topic le rahi hu. Fine? Tomorrow we will do encoders. And then we will do some numericals. Some problems based on MUX and DMUX. Fine? Thank you. That's for it today.